ये इस सीट्स को क्या बोलते हैं भैया? रिक्लाइनर्स। सॉरी, रिक्लाइनर। रिक्लाइनर तो ये तो जैसे क्या बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे? ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो इस सीट के रिलेटेड हैं वो इसमें होंगे ना। ये वॉल्यूम कंट्रोल्स या एसी कंट्रोल? इसका सीट के अंदर का, सीट की कोल्ड हीटेड, ये ऑन ऑफ के लिए। तो बाकी जो ये होंगे कंट्रोल्स, ये अंदर लाइटिंग के लिए। तो इसमें सनरूफ भी है। बैठ जाओ फ्रेंड्स। आप सो फाइनली गाड़ी के अंदर हम आ गए एंड लेट्स सी। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं भाई। तो ये गाड़ी कुछ देख ही सकते हैं भाई, सनरूफ एंड कुछ कंट्रोल्स इसके एसी के यहाँ पे हैं, वेंट्स यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे आई थिंक लाइट्स भी हैं इसकी। एंड इंटीरियर देख सकते हैं फ्रंट का एंड ये कुछ ये रिमोट। रेस नहीं देनी, करो बटन दबाओ, होगी स्टार्ट। सही में स्टार्ट होगी ये? ओके, तो ये जो अभी स्टार्ट हुई है उस पर हुई है, बैटरी पे हुई है। तो जब एक्सीलेटर करूँगा फिर करो, बट अभी पार्किंग पे है। पार्किंग पे करो एक्सीलेटर। ओ भाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई यार। तो अब ये वापस नॉर्मल कैसे आएगी, चार्जिंग जैसे बैटरी पे खुद ही आ जाएगी? होती है वो बैटरी पे होती है एंड आफ्टर 20 किलोमीटर के बाद ये पेट्रोल पे ऑन हो जाती है एंड वापस जब आप इसको 20 से लो पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी पे कन्वर्ट हो जाती है। सो बेसिकली ये हाइब्रिड गाड़ी है एंड इंटीरियर आपने देख लिया होगा, जैसे कि कुछ फीचर्स मैंने दिखा दिए एंड बाहर से देख सकते हैं कैसा लुक आएगा। सो भाई ये रही टेल लाइट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरा जो इस गाड़ी का रिव्यू होगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा इस गाड़ी का। एंड जैसे कि आपने इंटीरियर देख लिया होगा अभी इस गाड़ी का, एक्सटीरियर मैं आपको दिखाया था एंड सिनेमैटिक भी आपने देख लिया होगा। गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है एंड इसको चलाने का तो फील ही कुछ अलग है। एंड जैसा कि ये मॉडल है, ये है 2500 सीसी का इंजन है इसमें, हाइब्रिड है एंड ये जो नॉइस है, सॉरी। सो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड गाड़ी कैसी लगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं इसका फुल रिव्यू करूँ इस गाड़ी का। और जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।